बॉल पर 6 छक्के, लोग बोले बॉलर का करियर खत्म। लेकिन बॉलर तो फाइटर था जो पैदा होते ही मौत को हराकर यहां तक पहुंचा था। वो सिर्फ एक मैच से कैसे खत्म हो सकता था? तो उस एक मैच से उस बॉलर ने ऐसा सबक सीखा कि आज वो दुनिया का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन ब्रॉड की। एक ऐसा बॉलर जो पैदा होते ही मौत के करीब पहुंच चुका था। जिंदगी भर एक गंभीर बीमारी से जूझता रहा, लेकिन फिर भी अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड क्रिकेट को एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया जहां तक पहुंचने का दुनिया के हर टीम सपना देखती है। तो आखिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कैसे किया ये सब, चलिए जानते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। 24 जून 1986 ही वो तारीख थी जिस दिन इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस ब्रॉड के यहाँ क्रिकेट की दुनिया के नए सितारे स्टुअर्ट ब्रॉड का जन्म हुआ था। लेकिन क्रिस ब्रॉड अपने बेटे के जन्म की खुशी से ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनका ये बेटा नॉर्मल नहीं बल्कि प्री मैच्योर था। ब्रॉड का जन्म तय समय से 3 महीने पहले ही हो गया था। सिर्फ 6 महीने के प्री मैच्योर बेबी के लिए सर्वाइव करना दोस्तों इतना आसान नहीं था, ब्रॉड के लिए भी नहीं था। लेकिन ये बच्चा तो एक फाइटर था जिसकी जिंदगी से जंग पैदा होते ही शुरू हो गई। लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने के बाद फाइनली स्टुअर्ट ब्रॉड एक हेल्दी बेबी के रूप में घर आ गए। ब्रॉड की जान जिस डॉक्टर ने बचाई थी उसका नाम दोस्तों जॉन था। उसी डॉक्टर के नाम पर क्रिस ब्रॉड ने अपने बेटे का मिडिल नाम जॉन रखा। धीरे धीरे ब्रॉड बड़े होते गए। स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से ही उनकी दिलचस्पी थी और वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें तब गहरा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है। दरअसल प्री मैच्योर होने की वजह से दोस्तों उनका एक लंग फुली डेवलप नहीं हो सका था। इसी वजह से उन्हें अब ये परेशानी होने लग गई थी और इस परेशानी के साथ उन्हें अपनी सारी जिंदगी बितानी थी। आसपास के लोग कहने लगे कि अस्थमा की बीमारी वाला बच्चा भला किसी भी खेल में कैसे कामयाब हो सकता है। लेकिन ब्रॉड को अपने आप पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। ब्रॉड की गिनती दोस्तों आज दुनिया के महान तेज गेंदबाजों में होती है, लेकिन क्रिकेट उनका पहला प्यार नहीं था। ये हॉकी खेलना पसंद करते थे। 16 साल की उम्र तक वो लेस्टरशायर और मिडलैंड्स के लिए गोलकीपर के रूप में हॉकी खेला करते थे और इन्होंने इंग्लैंड अंडर एज टीम के लिए ट्रायल भी दिया। लेकिन दोस्तों किस्मत को अच्छा मंजूर था और वो इस ट्रायल में फेल हो गए और तब जाकर उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करना शुरू किया। वैसे वो हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी 9 साल की उम्र से ही खेल रहे थे। शुरुआत में अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए दोस्तों ये भी ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर खेला करते थे। हॉकी से मोह भंग होने के बाद इन्होंने दोबारा क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया और फिर इन्हें बैटिंग के बजाय बॉलिंग में मजा आने लगा। 17 साल की उम्र में इन्होंने बैटिंग छोड़कर फास्ट बॉलर बनने का फैसला किया। इस फैसले के बाद ब्रॉड के क्रिकेट करियर ने करवट बदलनी शुरू की और 2 साल के अंदर ही इन्हें फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिल गया। 2005 में दोस्तों इन्हें इंग्लैंड अंडर 19 टीम में जगह मिल गई और अपने पहले टेस्ट मैच में ही ये 5 विकेट लेकर अपनी काबिलियत दिखा चुके थे। अंडर 19 में अपनी चमक बिखेरने के बाद इन्हें इंग्लैंड ए टीम में जगह दी गई और यहां से नेशनल टीम में जगह बनाने में ब्रॉड को ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगस्त 2006 में इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। उसी साल इन्हें क्रिकेट राइटर्स क्लब की ओर से यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। डेब्यू के बाद से दोस्तों ब्रॉड का इंटरनेशनल करियर बढ़िया चलने लगा। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में इन्हें टीम में जगह मिली जिसमें उन्होंने बॉल के साथ साथ बैट से भी अपनी उपयोगिता साबित की। अपनी बॉलिंग के दम पर दोस्तों ब्रॉड इंग्लैंड टीम का भरोसा जीत चुके थे, लेकिन इस भरोसे को टी20 वर्ल्ड कप में गहरा झटका लगा। 19 सितंबर 2007 ये वो तारीख है जिसे ना तो ब्रॉड कभी भूल सकते हैं और ना ही युवराज सिंह। यही वो दिन था जिसने युवराज सिंह को सिक्सर किंग बना दिया। तो वहीं ब्रॉड के करियर में ऐसा धब्बा लग गया जिस वजह से उनके करियर का अंत माना जा रहा था। टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच के दौरान युवराज सिंह और एंड्रयू फ्लिंटफ के बीच दोस्तों कुछ कहा सुनी हो गए थे जिससे युवराज सिंह का पारा हाई हो चुका था। फ्लिंटफ के बाद ब्रॉड गेंदबाजी करने के लिए आए और युवराज सिंह ने फ्लिंटफ का सारा गुस्सा ब्रॉड पर निकालते हुए उनकी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। इस मैच में युवराज सिंह ने ब्रॉड की गेंद का जो हाल किया उसे ब्रॉड पूरी तरह से टूट गए। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और उस नाइटमेयर को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत की, और ऐसी शुरुआत जिसने पूरी दुनिया में उनका दबदबा कायम कर दिया। ब्रॉड ने अपनी काबिलियत के दम पर इंग्लैंड टीम का भरोसा फिर से जीता और अपनी शानदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बनते चले गए। ब्रॉड 2010 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का भी हिस्सा थे। दोस्तों ब्रॉड का करियर शानदार चल रहा था। कुछ समय के बाद उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूरी बना ली और अपना सारा ध्यान टेस्ट क्रिकेट पर लगाने लगे। जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की ऐसी खतरनाक बॉलिंग जोड़ी बनाई जो क्रिकेट की दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बन गई। अपने शानदार क्रिकेट करियर में दोस्तों उन्होंने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसमें जुलाई 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में इंडिया के खिलाफ हैट्रिक, 2010 में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 169 रन, 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 इनिंग में 7 विकेट और 1 मैच में 11 विकेट, 2015 एशिया सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 15 रन देकर 8 विकेट और 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक जैसे कई यादगार परफॉर्मेंसेस शामिल हैं।
ब्रॉड एशेज में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 200 स्टुअर्ट ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैचेस में 604 विकेट लिए हैं और 3662 रन बनाए हैं। 121 वनडे मैचेस में 178 विकेट और 56 टी20 मैचेस में 65 विकेट अपने नाम किए। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 5वें नंबर पे हैं। ब्रॉड ने अपने आखिरी टेस्ट मैच 27 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। अपने आखिरी मैच में इन्होंने जिस आखिरी बॉल का सामना किया उस पर इन्होंने छक्का मारा और गेंदबाजी करते हुए आखिरी बॉल पर विकेट हासिल किया। एक महान गेंदबाज के करियर का इससे बेहतर अंत और क्या हो सकता है? दोस्तों आपको ये कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।